हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमकुम स्वागत करती हूं आप सबका रुचि भोज चैनल पर। आज मैं घर में बनाऊंगी कपकेक्स। बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और ये मैंने छोटा सा मिनी केक भी बनाया है। कपकेक बनाने के लिए मैंने यहां पर दो पैकेट पार्ले जी बिस्किट लिया है जो कि 80-80 ग्राम का है और एक शैशे इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है। इसे पैकेट से निकाल देंगे एक बर्तन में। बिस्किट केक बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से बिस्किट निकालने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और जब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए उसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। एक बार में सारा बिस्किट ग्राइंड नहीं होगा, इसे दो तीन बार थोड़ा थोड़ा लेके कर लेंगे। ग्राइंड होने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर और दो बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी डालूंगी। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी नहीं है तो बिस्किट के साथ चीनी डालकर पीस लीजिएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद एक कप दूध लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर का। इसे मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी और मिक्स करते जाऊंगी। हमें यहाँ पर लम्स फ्री बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है, बिल्कुल लम्स नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे दूध को और मिलाते जाएंगे। इस तरह मिलाते हुए इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक मिलाएंगे और साइड में रख लेंगे। अब मैंने यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर सिलिकॉन के मोल्ड हैं, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी कपकेक बनाने के लिए। इसे मैं ग्रीस कर लेती हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो इस तरह के पेपर कप आते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की पुरानी जो कप होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, घर की कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे कपकेक बना सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की होनी चाहिए। अब इस स्टेज पर मैं इनो का एक पूरा पाउच इसमें डाल दूंगी और इसे डालने के बाद इसके ऊपर एक बड़ा चम्मच दूध डाल देंगे। दूध में लगभग 1 से 2 चम्मच बच गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा मिलाते समय। अब इसे हम मोल्ड में पोर कर लेंगे। इस तरह से मैंने 1 चम्मच की सहायता से मोल्ड में इस तरह से बैटर को भर लिया है। ज़्यादा ऊपर तक मत भरिएगा और भरने के बाद इसे टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मोल्ड में भी हम इसी तरह से भर लेंगे बैटर को। और जो बैटर बच जाएगा उसे मैं पेपर वाले ग्लास में और कटोरी में बना लूँगी। यहाँ पर मैंने प्री हीट होने के लिए कढ़ाई रख दिया था, उसके ऊपर नमक रखा है, उसके ऊपर स्टैंड लगा दिया है। अब इसे ढक कर लगभग मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। लो फ्लेम पर ही छोड़ना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमें फ्लेम को लो ही रखना है। और 15 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी, एक टूथपिक की सहायता से चेक कर लेंगे। इस तरह से पूरा अंदर तक ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब कि हमारा कपकेक रेडी हो गया है। ठंडा होने के बाद इसे इस तरह से डीमोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमारा कपकेक बनकर रेडी हो गया है। और रोज नई रेसिपी सीखने के लिए पता है आपको क्या करना है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस तरह से मैंने स्टार नोजल लगाकर व्हिप्ड क्रीम से इस तरह से सजा लिया है। आप जैसे चाहें वैसे सजा सकते हैं इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जो मैंने कटोरी में बनाई थी कपकेक उसे भी मैंने सजा लिया है, उसे मैंने मिनी केक का रूप दे दिया है, देखिए इस तरह से। और मेरे पास कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है, उसे भी मैं थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लूँगी। कलरफुल शुगर बॉल्स है मेरे पास, देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है इससे। और कुछ चॉकलेट चिप्स भी है, उसे भी मैं सजा लूँगी, है ना। बहुत ही इजी कपकेक बनाना, तो आप कब बना रहे हैं। और छोटा सा मैं आपको अपना मिनी केक भी दिखा देती हूँ, उसे मैंने किस तरह से सजाया है। इसे मैं इस तरह से काट कर आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।